पंडित जी परमेश्वर हाथ में एक बैग लेकर मिठाई लाने के लिए जा रहे थे। इस पूरे इलाके में सिर्फ एक शारदा मिठाई दुकान है, अब पता नहीं कितनी भीड़ होगी वहाँ। मैंने कहा कि मिठाइयों की जरूरत नहीं, पर मेरी पत्नी कांता कहने लगी कि बेटी की शादी तय हुई है, हम सबको मिठाई खिलाएंगे, इसीलिए 2 केजी मिठाइयाँ लाने के लिए मुझे घर से धक्का मार के भेज दी। इस तरह सोचते हुए गांव का एकमात्र मिठाई दुकान शारदा मिठाई दुकान में वो पहुंच जाते हैं। अब दुकान के सामने लोगों की काफी लंबी कतार लगी हुई थी, ये देखकर पंडित जी थोड़े उदास हो जाते हैं। अरे बापरे, अब इस लंबी लाइन में लगना होगा मुझे, कोई चारा भी नहीं, क्या करूं मैं। पंडित जी इस तरह सोचते हुए लाइन में खड़े थे, तभी शारदा अपने दुकान से पंडित जी को देखती है। वह दुकान में अपने पति प्रसाद जो कि काउंटर में पैसे ले रहे थे उनसे कहती है, अजी वो देखिए पंडित जी लाइन में खड़े हैं, लगता है मिठाई लेने के लिए आए हैं, उन्हें यहाँ अंदर ले आइए। अरे शारदा, अगर हम उन्हें अंदर ले आए तो बाकी पब्लिक हल्ला गुल्ला करने लगेगी, बेकार का झमेला क्यों। हमें उनसे बहुत काम रहता है, उन्हें अंदर लेकर आइए, अगर कोई कुछ कहा ना अब सीधा आके मुझे बताइएगा, मैं सबको संभाल लूंगी। ठीक है शारदा, जो तुम कहो। फिर प्रसाद पंडित जी जो लाइन में खड़े थे उनके पास जाते हैं। क्या प्रसाद जी, आप यहाँ पे क्यों आए? पंडित जी, शारदा बुला रही है, चलिए। क्या कहा, शारदा जी ने मिठाई की दुकान के अंदर से देख लिया कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, तब जाके उन्होंने बुलाया, तब तो जाना ही होगा, चलिए चलते हैं। प्रसाद के साथ जब पंडित जी लाइन से निकल के अंदर जाने लगते हैं, तभी लाइन में खड़ी हुई कमला कहने लगती है, क्या चाचा जी, पंडित जी तो हमारे पीछे लाइन में लगे थे और आप उन्हें बुलाकर लेकर जा रहे हैं। देखो मुझे कुछ नहीं पता, अंदर मेरी पत्नी शारदा है, उसने मुझे कहा कि जाके पंडित जी को अंदर ले आओ, मैं कुछ नहीं कह सकता और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जो उसने कहा मैं वही कर रहा हूँ। इस तरह कहने पे कमला लाइन से निकल के सीधा शारदा के पास जाती है। शारदा चाची ये सही नहीं कर रही है। क्या हुआ ग्वालिन, मेरी मिठाइयाँ ठीक नहीं है? मैं मिठाइयों के बारे में यहाँ कहने नहीं आई हूँ, वो जो पंडित जी हमारे पीछे लाइन में खड़े थे उन्हें आप लाइन से निकाल के यहाँ लेकर आए, उस बारे में कह रही हूँ। अच्छा तो उस बारे में, अरे वो पंडित जी है, उन्हें इस तरह से लाइन में खड़े रखना ठीक नहीं, इसीलिए अंदर बुला के ले आई। तुम लोग जो सब लाइन में खड़े हो उन सभी को पहले दूंगी, उसके बाद उन्हें दूंगी, तुम बस लाइन में खड़ी रहो और देखते रहो। इस तरह कहने पे कमला फिर कुछ ना कहते हुए चुपचाप अपने लाइन में जाके लग जाती है। इस बात से पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहने लगते हैं, सबके बाद ही जब मिठाइयाँ देनी है तो अच्छा होता कि मैं लाइन में ही जाके खड़ा रहता, इस तरह अलग से अंदर बुलाने का क्या मतलब होता है। असल में आज मेरी पत्नी बहुत खुश है और सभी को मिठाइयाँ खिलाना चाहती है, इसीलिए वो शायद मेरा इंतजार कर रही होगी। जब वो इस तरह कह रहे थे शारदा उन्हें देख कर आँख मारती है। पंडित जी कुछ समझ नहीं पाते हैं। अरे बापरे, ये मुझे देखकर क्यों आंख मार रही है, ओम नमः शिवाय, अब मैं क्या करूं। इस तरह सोचते हुए वो फिर से शारदा को देखते हैं। शारदा उन्हें देखकर फिर से आंख मारती है। पंडित जी वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। 25 साल की अनामिका अपने सोफे पे बैठ के आराम से गुलाब जामुन खाते खाते टीवी देख रही होती है। ठीक उसी वक्त अनामिका के माता पिता गोवर्धन और सावित्री वहाँ आते हैं। माँ सावित्री बड़े गुस्से में थी, उसे देखकर अनामिका कहती है, पिताजी कह दीजिए कि कल से हमें गैस की जरूरत नहीं है। गैस नहीं होगा तो हम खाना कैसे पकाएंगे बेटा? आप एक बार माँ की आंखों की तरफ देखिए, एकदम लाल हो चुकी है, मुझे तो लग रहा है उसकी गर्मी से खाना पक जाएगा, हमें गैस की जरूरत नहीं, उन पैसों को बचा के आप मेरी शादी में खर्च कर सकते हैं। मजाक की जरूरत नहीं है, अभी तक दिन भर में तुम कितना गुलाब जामुन खाई हो बताओ। ओहो, तो नाराज होने का ये वजह है, 10 तो मैं खा चुकी हूँ। अगर लोगों को पता चले कि तुम गुलाब जामुन के लिए पागल हो तो कौन शादी करेगा बताओ। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए ये सब तो मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं माँ? आज के लिए बहुत हो गया, इससे एक भी ज्यादा अगर तुम आज खाई ना फिर देखो। इतना कहकर गुस्से से सावित्री वहाँ से चली जाती है। उधर शारदा के घर में पंडित जी बैठे हुए थे। मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है, यहाँ से 10वें गांव में एक लड़की है, नाम अनामिका है, उसे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है,
अच्छी जचेगी आपके साथ, क्या कहते हैं? फिर देर किस बात की पंडित जी, बात चलाइए शादी के लिए, आपसे ही हमने होता शुरू करेंगे। इतना सुनकर पंडित जी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन रमेश और अनामिका की सगाई की बंदोबस्त की जाती है। वहाँ रमेश अनामिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों परिवार के बीच लेन देन की बात होती है। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका के दोनों परिवार मिलके पूरे गांव वाले सभी रिश्तेदारों के परिस्थिति में बड़े ही धूमधाम से शादी करवाते हैं। अनामिका अब अपने ससुराल में कदम रखती है, मिठाई का दुकान है ये सोचकर अनामिका बहुत खुश होती है। माँ जी, आपका मिठाई का दुकान है? हाँ बहू, इस पूरे गांव में जो एक मिठाई का दुकान है वो हमारा है। मैं सोच ही रही थी अपने दुकान के बारे में बताऊंगी। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके मिठाई के दुकान पे बैठूं? ठीक है बहू, मैं जब दूसरे गांव में जाऊंगी तुम दुकान पे बैठना, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर शारदा तैयार होके चली जाती है। अनामिका और प्रसाद तैयार होके दुकान चले जाते हैं। एक के बाद एक ग्राहक दुकान में आ रहे होते हैं, जिसे जो मिठाइयाँ चाहिए वो उसे देती है और बीच बीच में एकाध खा भी लेती है। प्रसाद देख लेते हैं अनामिका को मिठाइयाँ खाते हुए, पर वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो पैसे गिनने में व्यस्त होते हैं। देखते देखते एक हफ्ता निकलता है, मिठाई का दुकान बंद हो जाता है। शारदा जो पैसे कड़ी मेहनत से कमाई थी सारे खर्च हो जाते हैं। फिर अनामिका, रमेश और प्रसाद तीनों दुखी होकर बैठे होते हैं। बहू, आज तुम्हारी सास वापस आ रही है, तुम तैयार रहना कि मिठाई का दुकान क्यों बंद हो गया इसका जवाब देने के लिए। अच्छे से सोच लो, मैं तो कहूँगा कि बहू ने पैसे मांगा तो मैंने दे दिया, चाहे तुम कितना भी गाली दो। मैं भी यही कहूँगा अनामिका कि तुमने मिठाई दुकान के सारे पैसे एक साथ सब खर्च कर दिए। अनामिका ये सब सुनकर काफी घबरा जाती है। शारदा गुस्से से घर वापस आती है, वो तीनों को देखने लगती है, पर वो तीनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बहू, जो हुआ है सच सच बताओ, मैं जब गई थी तब तो ये मिठाई का दुकान अच्छा चल रहा था, एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जो कह रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ बताओ बहू, मैं इस मिठाई दुकान को खड़ा करने के लिए तुम्हें पता नहीं है कितनी कड़ी मेहनत की है, तब जाके थोड़े पैसे कमाए थे और तुम इस घर में कदम रखते ना रखते सब बर्बाद कर दी। एक महीना नहीं हुआ आए हुए और तुम्हारे आते ही मानो कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बताओ क्या हुआ है? माँ जी, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मैं दिन भर सिर्फ मिठाइयाँ ही खाती रहती हूँ। पंडित जी ने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? अच्छा, तो पंडित जी के ही कृपा से तुमने ये सब किया है। तुम अब ये सब बहाने मत दो, मुझे नहीं पता तुमने ये सब क्यों किया। अब तुम किधर से क्या करोगी मुझे कुछ नहीं पता, पर एक महीने के अंदर मेरा दुकान मुझे वापस चाहिए। कैसे करके करोगी, कैसे उपाय निकालोगी ये सब तुम जानो, नहीं तो सुन लो मेरे बेटे को छोड़ के जाना होगा। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका काफी देर तक सोच विचार करती है। वो जाके दुकान खोलती है और वहाँ पे बैठ कर गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगती है। वो अपना पसंदीदा गुलाब जामुन बनाती है, क्योंकि गुलाब जामुन का स्वाद बहुत ही अच्छा था इसीलिए लोगों को भी बहुत पसंद आता है। उनकी तारीफ सुनके अनामिका भी बहुत खुश होती है, पर धीरे धीरे अपने मिठाई के लिए पागलपन को वो कम करती है। दिन निकलता है, अब धीरे धीरे अनामिका को अपने गुलाब जामुन से मुनाफा होने लगता है। उन्हीं पैसों से मिठाई दुकान के जरूरतमंद चीजें वो खरीदती है और दुकान फिर से जगमगा उठता है। माँ जी, उस वक्त जैसे आपने मुझे दुकान सौंपा था बिल्कुल वैसे ही मैं वापस कर रही हूँ, देखिए हमारा मिठाई का दुकान कैसे जगमगा उठा है। मुझे पता था बहू, सिर्फ तुम खाती ही नहीं हो, तुम में बेचने का भी गुण है। मैं भी यही चाहती थी, तुम अपने जुबान पे खड़ी रही और वादा पूरा की। मुझे तुम्हारे मिठाई पागलपन के लिए पता था, मैं जानबूझ के एक हफ्ते के लिए तुम्हारी मायके में जाके थी, एक हफ्ते बाद मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ। हाँ बहू, तुम्हारी सास ने रमेश को ये बात पहले ही बता दी थी। सॉरी अनामिका। इस बात से अनामिका बेहद खुश होती है। उस दिन से शारदा मिठाइयाँ बेचने लगती है और बहू अनामिका गुलाब जामुन बनाकर गुलाब जामुन बेचना शुरू करती है। इस तरह पैसे भी कमाने लगती है और इस तरह सभी मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी अनामिका, ससुर जी प्रसाद उसे धूप दिखा रहे थे।
लॉन में घुमाते हुए बड़े प्यार से बात कर रहे थे। अचानक से अनामिका रोने लगती है। पिताजी, मैं आपका ये उधार कैसे चुकाऊं? बाप बेटे के बीच में उधार नहीं होते हैं बेटा। आप तो बस एक ही बात कहते रहते हैं पिताजी हमेशा। हाँ बेटा, एक्सीडेंट होने पे मेरा पैर टूट गया था और डॉक्टर बैंडेज बांध दिए थे। उस दुर्गंध से तुम्हारी सांस नजदीक आती नहीं थी, पर तुम आई, तुम माँ बनके मेरा देखभाल करती रही। इसीलिए पिताजी, आज आप मेरे पिताजी की तरह हैं, जो इतने प्यार से मेरा देखभाल कर रहे हैं। तकलीफ के वक्त में ही इंसान की सही पहचान होती है। अनामिका प्रसाद ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है और गुस्से से कहती है, सुनिए, अगर अपनी प्यारी बहू को आप मेरे हाथ सौंप देंगे तो मैं उसे उसके कमरे तक पहुँचा दूंगी। क्यों शारदा, डॉक्टर प्रमिला ने क्या कहा था तुमने सुना नहीं? उसे धूप में छोड़ना होगा। जब मैं देखभाल कर ही रहा हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? अनामिका के देखभाल के लिए सुशीला आएगी। ये सुशीला कौन है माँ? उसके आने के बाद ही बीमारी क्या होती है पता चलेगा। ऐसा कहकर बहू को दुखी क्यों कर रही हो शारदा? बहू की मानसिक परिस्थिति अच्छा रहे इसलिए उसे आशा देना चाहिए, खुश रखना चाहिए, लेकिन तुम तो। ये तो अच्छी बात है अनामिका। इस तरह कुछ कहने ही जा रही थी शारदा कि इस बीच में सुशीला आ जाती है। उधर अनामिका की सेहत कुछ खास ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर प्रमिला के सामने रमेश बैठा होता है। अनामिका अभी कैसी है राम? वो ठीक नहीं है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है मैडम। टैबलेट्स लेते रहना होगा रमेश, एक बार में उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, इसीलिए थोड़ा सब्र रखना भी होगा। हमें आप पर भरोसा है डॉक्टर, आपने कहा था ना कि टैबलेट्स चेंज करना होगा। लिख देती हूँ। इस तरह कहकर डॉक्टर प्रमिला कागज में नई दवाइयाँ लिख कर दे देती है। रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। बीमार पड़ी अनामिका अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। शारदा सुशीला को लेकर अनामिका के पास जाती है। सुशीला अनामिका को बड़े दुखी मन से देखती है। अभी कैसी हो अनामिका? आप कौन है? इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अनामिका को गुस्से से कहती है, वो कौन है जानकर तुम क्या करोगी? वो जो पूछ रही है उसका जवाब दो ना। वो बात नहीं है माँ। चुप रहो, जो वो सवाल कर रही है उसका जवाब तुम दो। इस तरह से धमकी देती है शारदा। फिर सुशीला कहने लगती है, शारदा मैडम, एक बार आप बाहर जाइए, अनामिका की सेहत के बारे में पूछ लेती हूँ, फिर जैसा जरूरत होगा वैसे पैसों की बात करेंगे। अच्छा ठीक है। इतना कहकर शारदा उस कमरे से चली जाती है। फिर सुशीला अनामिका से पूछती है, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए तुम्हारी सासू माँ को तकलीफ है, वो घर का काम नहीं कर सकती है इसीलिए उसने मुझे बुलाया। लेकिन आप कौन है? असल में मैं एक वृद्धा आश्रम चलाती हूँ। सुशीला के इस तरह से कहने पे अनामिका पूरी बात समझ जाती है। वो उठ के बैठ जाती है और आंखों में आंसू लेकर कहती है, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मेरे दो दो बच्चे, मैं पूरी तरह से अपंग नहीं हूँ। इस तरह कहकर अनामिका अपने हाथ दिखाने लगती है। उधर स्कूल परिसर में पोता हरीश रो रहा होता है। दादाजी प्रसाद जब लंच बॉक्स लेके जाते हैं, पोते को रोते देख वो परेशान हो जाते हैं। अरे हरीश, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? दादाजी, मुझे बार बार माँ याद आ रही है। बेचारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक से कोई काम नहीं कर पाती, पता नहीं अभी वो क्या कर रही है, उन्हें कितनी मार पड़ रही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं घर पे हूँ ना, मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा मानता हूँ। तुम ज्यादा सोचो नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। आप क्या देखेंगे दादाजी, जब दादी माँ को डांटती है आप तो एक शब्द नहीं कहते, चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। तुम बच्चे हो बेटा, ये तुम नहीं समझोगे। ये सब बात हो ही रही थी, तभी टीचर कमला रोती हुई भव्या को लेकर प्रसाद के पास आते हैं। टीचर थोड़ी नाराज थी। इसकी माँ को क्या हुआ सर, जब से स्कूल आई है ये मम्मी मम्मी कहकर बस रोए जा रही है, हम समझा रहे पर ये समझती नहीं, माँ के पास जाना है कह रही है और तब से रोई जा रही है। सॉरी टीचर, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा।
इस तरह कहकर भव्या को प्रसाद के पास छोड़ के टीचर कमला वहाँ से चली जाती है। उधर सुशीला जो अनामिका को देखने के लिए आई थी, मैडम मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ पर बस कभी कभी थरथराते हैं, उसके लिए दवाइयाँ ले रही हूँ। मेरे बच्चों को देखभाल करने के लिए पिता तुल्य मेरे ससुर जी है और साथ में मेरे पति भी है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या मैडम, अनामिका के इरादे तो बहुत मजबूत है और आप कह रही थी कि वो पेशेंट है। अरे उसने जो कहा वो सच नहीं है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती हूँ। अरे बहू जाओ चाय ले आओ तो, हम हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका बहुत ही कष्टों के साथ उठती है और धीरे धीरे चलकर किचन की तरफ जाती है। शारदा और सुशीला हॉल में बैठी हुई थी। अनामिका के हाथ से एक कटोरी गिर जाती है, उसके बाद पानी का बोतल गिर जाता है और साथ ही साथ चीनी का डब्बा भी। आवाज सुनकर शारदा और सुशीला भागकर किचन में देखने के लिए आती है। देखती है पानी, कटोरी, चीनी सब नीचे पड़ा हुआ है। अब क्या कहोगी सुशीला? ठीक है मैडम, मैं अनामिका को अपना अनाथ आश्रम ले जाऊंगी, लेकिन उसके लिए खर्च पड़ेंगे। ले जाओ मैं पैसे दूंगी। इतना कहकर सुशीला अनामिका को लेकर हॉल में जाने लगती है। तभी हरीश और भव्या प्रसाद के साथ स्कूल से लौट आते हैं। बच्चे देखते हैं कि सुशीला इस तरह से अनामिका को पकड़ी हुई है, ये देखकर वो बड़े आश्चर्य होते हैं। आप कौन है? आप मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रही है? दादी मेरी माँ को इसके साथ आप कहाँ भेज रही है? आप कौन है और आप क्यों यहाँ आई है? शारदा बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। ये कौन है, बहू को कहाँ लेकर जा रही है, क्या इस बारे में रमेश को पता है? सभी लोग शारदा से इस तरह सवाल करने लगते हैं। सबका सवाल करना हो गया या कुछ बाकी है? तभी हरीश भाग के बेडरूम में जाता है और अनामिका का व्हीलचेयर लेकर वापस आता है। अनामिका अपनी व्हीलचेयर पे बैठती है। ये सुशीला है, ये एक ओल्ड एज होम चलाती है, मैं सोच रही हूँ अनामिका को ओल्ड एज होम में रख दूंगी। शारदा के इस तरह से कहने पर सभी लोग वहाँ पे खड़े एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनामिका व्हीलचेयर पे बैठकर रोने लगती है। दोनों बच्चे खुद को संभालते हुए फिर अनामिका के पास आते हैं, फिर उसके आंसू पोंछते हैं। माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे लिए मैं, बहन, दादाजी, पिताजी, हम सब है ना, क्या हम तुम्हें ओल्ड एज होम भेज सकते हैं? हाँ माँ, दादी की बातों का बुरा मत मानो, हम लोग है ना। ये सब सुनकर प्रसाद अनामिका के पास आकर कहते हैं, मत रो बहू, घर की लक्ष्मी का इस तरह रोना शुभ नहीं होता है, इस बात को हमारे ऊपर छोड़ दो, रमेश को कुछ मत बताना। लेकिन रमेश दरवाजे के पास खड़े होकर पूरी बात सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। पर मुझे पता चल गया पिताजी, इस तरह वो दुखी होकर कहता है और फिर शारदा के पास जाता है। ओल्ड एज होम भेजने की क्या जरूरत है माँ, अनामिका को खाने में थोड़ा जहर मिला के दे दो, काम हो जाएगा। रमेश की ये बात सुन के अनामिका रोने लगती है, फिर दुखी होकर, बच्चे मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से तुम्हारी दादी ने खाना भी नहीं दिया। ये सुन के सभी लोग रोने लगते हैं। तुरंत हरीश और भव्या भागते हुए किचन में जाते हैं, फिर चावल सब्जी एक प्लेट में डाल के हरीश अनामिका को लाके देता है। पीछे पीछे भव्या पानी ले आती है, फिर दोनों अनामिका को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। जो लोग वहाँ खड़े थे ये सब कुछ देख कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अंदर चली जाती है, सुशीला बाहर चली जाती है। एक दिन अचानक से किचन में आग लग जाती है, उस आग में शारदा फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी कोई है क्या, मुझे बचाओ मैं आग में फंस गई हूँ। इस तरह शारदा चिल्लाने लगती है। बहुत ही कष्टों के साथ अनामिका बिस्तर से उठती है और वो धीरे धीरे किचन में जाती है। अब चूंकि शारदा किचन के अंदर आग में फंसी हुई थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। माँ जी हिम्मत कीजिए और अंदर से बाहर निकल आइए। नहीं निकल पा रही हूँ बहू। ऐसे कहने से कैसे चलेगा, कैसे भी आपको बाहर निकल आना होगा, नहीं तो आग बढ़ेगी। मुझे बचा लो बहू। इस तरह कहने पे अनामिका अपने व्हील चेयर से बड़े ही कष्ट से उठ के खड़ी होती है और जैसे ही वो खड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर वो रोते रोते उठ के खड़ी होती है और किचन के अंदर जाती है। चलिए माँ जी मैं पीछे से आती हूँ। बाप रे, मैं अगर पहली गई तो मैं जल जाऊंगी, पहले तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ठीक है माँ जी। ये कहकर अनामिका बड़े ही कष्टों के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए शारदा को लेकर बाहर निकल आती है। तब तक प्रसाद, रमेश और दोनों बच्चे वहाँ पर आ पहुँचते हैं।
उन्हें पता चलता है कि शारदा आग में फंसी हुई थी तो उन्हें दुख होता है। अनामिका अपनी जान को जोखिम में डालकर शारदा की जान बचाई। ये देखकर शारदा के मन में परिवर्तन आया और तब से वो अनामिका को प्यार और स्नेह के साथ देखभाल करने लगी।